ज़्यादा जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sansniwaldairyfarm.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। सभी भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले से। पहले भी एक दो वीडियो अपने चैनल पे भाई के यहाँ से आई हैं, बहुत सारी, जो लगभग 2-3 भैंस और 3-4 कटड़ियाँ भाई साहब के पास हमारे यहाँ से जा चुकी हैं। ये जो कटड़ी आप सामने देख पा रहे हैं HLDB के सीमन की है, हरियाणा गवर्नमेंट के सीमन की है। माँ का दूध 22 किलो और लगभग ये कटड़ी मेरे ख्याल से अभी 16-17 महीने की है और भाई के यहाँ पे, बोबी भाई के यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में। स्कीट, जो इनका कस्बा स्कीट है, एटा ज़िले में है। ये बहुत ही सुंदर कटड़ी, बिल्कुल छोटी सी हमने भेजी थी, लगभग ये 10-11 महीने की, 12 महीने की थी उस टाइम हमने भेजी थी। अभी ये हीट में भी आ चुकी है, लेकिन अभी 4-5 महीने रुक के भाई इसको प्रेग्नेंट करवाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा साइज में छोटी है और बहुत ही खूबसूरत कटड़ी बनेगी। इसकी माँ भी बहुत अच्छी थी, आप भी देखे वीडियो में, बहुत ही सुंदर कटड़ी है। हमें आप ज़रूर कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी। और जो भाई ये वीडियो जो हम आजकल आपको दिखा रहे हैं, लगभग जो है व्हाट्सएप पे वीडियो मंगवा के फिर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलने का जो है सिस्टम बंद है और घर रह के ही वीडियो तैयार कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे वीडियो आ रही हैं, वही आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छा जो अड्र की क्वालिटी थी इस भैंस की, इसकी कटड़ी की माँ की, वो भी बहुत अच्छी थी और ये कटड़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। नीचे से भी आप वीडियो में देख रहे हैं, जब ये चल रही थी नीचे से थनों का साइज़ और अड्र सब कुछ दिखाई दे रहा था। बहुत ही सुंदर कटड़ी है। आप कमेंट्स में दोबारा कहूँगा ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, और घर पर ज़रूर रहें, कहीं बाहर ना निकलें जब तक ये जो वायरस वगैरह का चक्कर ख़त्म नहीं हो जाता, आप घर ही रहें। और बहुत छोटा सा, बहुत ही सुंदर फार्म भाई ने बना रखा है, पूरा पक्का, मैट वगैरह लगा रखे हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जहाँ के भाई रहने वाले हैं, जिस ज़िले के रहने वाले हैं वहाँ पे। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी कटड़ी। और जो छोटा सा भाई का फार्म जहाँ लगभग 7-8 पशु छोटे बड़े बांधे जा सकते हैं और शौकिया तौर पर रखते हैं, कोई पशु बेचने का, दूध बेचने का कोई काम नहीं है भाई का, और केवल अपने घर पे दूध पीने के लिए, अच्छा दूध पीने के लिए, अच्छी क्वालिटी का दूध पीने के लिए घर पे पशु रखे हैं। नहीं तो बहुत सारे जो भाई हैं कस्बों में रहते हैं, वो दूध खरीद के फिर पीते हैं, लेकिन भाई को अच्छा रखने का शौक़ है और अच्छा खाने पीने का शौक़ है। ठीक है भाइयों, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कहीं बाहर ना जाएं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।